दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ई स्टेटमेंट यानी पूरे एक साल का स्टेटमेंट पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करें व्हाट्सएप से ही। आपको कहीं भी वेबसाइट, कहीं भी नेट बैंकिंग, कहीं से भी कुछ नहीं करना है। आप व्हाट्सएप में ही आप बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट पूरे एक साल का पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बैलेंस भी देखा है, देखिए बैलेंस मैंने चेक किया है। यहाँ पर और भी जाके देखेंगे तो ऊपर मैंने सारा यहाँ पे देखिए मिनी स्टेटमेंट भी चेक किया है और मैंने स्टेटमेंट भी डाउनलोड किया है। तो ये सारा काम आपको एक साल का स्टेटमेंट मैं बताऊँ, एक साल का स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड करेंगे सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट्सअप से, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवल। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट में आप लिखिएगा नाइस। ठीक है, इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए मैं करना कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर करना क्या मैं आपको बता दूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा, गूगल सर्च के यहाँ पर टेक्नो राशि व्हाट्सअप लिखेगा, यानी कि गूगल में टेक्नो राशि व्हाट्सअप, जब आप ये चीज़ सर्च करेंगे तो यहाँ मिलेगा SBI व्हाट्सअप बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करें, इसको बस आपको लिंक ओपन कराना है। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टेट बैंक का भी मिल जाएगा, HDFC का, हर बैंक का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप का बैंकिंग स्टेटमेंट एक्टिवेट करने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर नीचे अगर आप आते हैं तो पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसमें आपको दो काम करना होगा, एक नंबर यहाँ पे दिया गया है, एक मोबाइल नंबर दिया है जिसको आपको सेव करना है, जो कि SBI का व्हाट्सअप नंबर है, और दूसरा क्या करना है कि अपने मोबाइल से ये नंबर पे जो है ये लिख कर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, ये दो काम करना है, इसको आप आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर नेम नाम यहाँ पर जो है कि नंबर सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने नंबर सेव कर लिया, ठीक है, यहाँ पर नंबर जो है आप दिखाता हूँ, ये जो नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये नंबर आपको यहाँ पर इस तरीके से सेव कर लेना है, ये नंबर मैंने दिखा दिया। नंबर को सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल है SBI का, SBI लार्जेस्ट इंडियन बैंकिंग 1/4 मार्केट शेयर, SBI भवन मुंबई, SBI.SBI, इस तरीके से पूरा डिटेल यहाँ पे है और ये नंबर है। ठीक है, इसको कर लिया और पूरा प्रोसेस वहाँ पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ भी अगर हाई हेलो लिखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे मैं चलिए हाई लिख के भेजता हूँ, अब व्हाट्सअप में आता हूँ, मैं हाई लिख के भेजता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ व्हाट्सअप पर लिख के हाई भेज दिया। अब देखिए गेट बैलेंस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से बैलेंस शो हो जाएगा, देखिए यहाँ बैलेंस अभी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस क्या है। अब यहाँ पे देखिए मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन था, मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अदर सर्विस पे क्लिक करके स्टेटमेंट, यहाँ देखिए 5 के लेन देन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अदर सर्विस में क्लिक करना है, अदर सर्विस में क्लिक करूँगा तो स्टेटमेंट सर्विस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए इनवैलिड इनपुट बता रहा है, फिर यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद फिर से यहाँ पे अदर सर्विस पे क्लिक करेंगे, दूसरा ही बार करिएगा, फर्स्ट बार में कभी कभी नहीं दिक्कत होता, सर्वर SBI का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से सेंड कर रहा हूँ, फिर से सेंड किया तो इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट सर्विस पे क्लिक करना है, उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, सेंड कर देना है। अब यहाँ पर मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर पूछा है कि आपका स्टार्ट डेट क्या है, इस फॉर्मेट में आपका मतलब कब से कब का करिए, 6 महीने का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 6 महीने के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट मान लेता हूँ, 1/6/2023, मतलब 1 जून 2023 से अब तक का। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेंड कर दिया। अब एंड डेट पूछेगा कि एंड डेट क्या चाहिए, तो जैसे मान लेता हूँ कि 1/8/2023, ठीक, इस तरीके से मैं 3 महीने का ही ले लेता हूँ। खैर ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा है, तो जो ये जो पासपोर्ट जो बनाएंगे यहीं पर यहाँ पर आपको ईमेल करेगा, जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी होगा उस पर 6 महीने का मतलब इसने तो इतनी डेट का PDF फॉर्म में भेजेगा। तो एक पास उसको ओपन करने उस PDF को ओपन करने के लिए यहाँ पर पासपोर्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पासपोर्ट बना लेता हूँ, जैसे मेरा 6/5/65/64 या तो 65/21 कर लेता हूँ, 65/21। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया 65/21। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि आपका सक्सेसफुली जो है PDF फॉर्म स्टेटमेंट इतने से इतने डेट जो आपने सबमिट किया है आपको मेल कर दिया गया है। तो मैं चलिए यहाँ पर मेल पर चलता हूँ। ठीक है, मेल यहाँ पर भी आएगा, मेल आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेल आ चुका है, व्हाट्सअप बैंकिंग यहाँ पर मेल आ चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ PDF आ चुका है, PDF में ओपन करने के लिए वही पासवर्ड डालना होगा जो यहाँ पर 65/21 मैंने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 65/21 मैंने यहाँ पर डाला और यहाँ पर देखिए ये पूरे जो है इतने दिनों का ये पूरा इस तरीके से ओपन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे PDF स्टेटमेंट इस तरीके से आप मंगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सअप से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।